बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार सरकार से रिक्वेस्ट है, हम लोग के साथ, हम सभी स्टेट अभ्यर्थियों के साथ हो रहे अन्याय को अब और हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। श्रीमान, आपके द्वारा 2019 में 28 जनवरी को एग्जाम लिया गया था जिसमें 2.5 लाख कैंडिडेट अपियर हुए थे, आपने 6 महीना बाद बिना बताए यह कहकर के परीक्षा रद्द कर दिया था कि परीक्षा में धांधली हुई है। श्रीमान, आप जब धांधली हुई थी तो परीक्षा ने रद्द कर दिया और 6 महीने बाद हम लोग को लाख मना करने के बाद कि बेल्ट्रॉन से एग्जाम न लिया जाए, लेकिन आपने बेल्ट्रॉन से ही एग्जाम लिया। आज उसका परिणाम यह है कि 9 चरणों 10 चरणों में एग्जाम देने के बाद बेल्ट्रॉन के अधिकारी, बिहार सरकार के अधिकारी, बिहार बोर्ड के अधिकारी का फोन आ रहा है, खुलेआम नंबर से कॉल आ रहे हैं, बैंक डिटेल्स दिए जा रहे हैं कि आप इतना पैसा, लाख रुपया, 80,000, 20,000, 40,000 अकाउंट में डालिए और आपका नंबर बढ़ा देंगे हम लोग। इस स्थिति में हम सब अभ्यर्थी करें तो क्या करें? अगर आप निष्पक्ष हैं, हम सब अभ्यर्थियों की थोड़ी सी भी चिंता है, तो आप उस नंबर पर अविलंब कार्रवाई करें, उस पर FIR करें और इस जो भी करप्शन हो रहा है, नहीं तो हम सब अभ्यर्थी यही जानेंगे कि बिहार सरकार की मिलीभगत है और सारे सीट अंदर ही अंदर बेचे जा रहे हैं। हम सब अभ्यर्थी इस चीज को बर्दाश्त करने की सीमा अब खत्म हो चुके हैं हम लोग के अंदर से, हम लोग अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बिहार सरकार से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, प्लीज हम लोग का हेल्प कीजिए और इस जो भी नंबर हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं उस पर FIR किया जाए।